हेलो भाइयों, मैं सचिन संसनवाल, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई आज हम बात करने वाले हैं मारुति सिलेरियो के बारे में। मारुति सिलेरियो का जैसा कि आपको पता है मैंने टॉप मॉडल का इसका रिव्यू कर दिया था, लेकिन ये जो VXI मॉडल है ना इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल जो रहने वाला है VXI ही रहने वाला है भाई इसका। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या ऑफर करती है मारुति, की कितना बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है ये मॉडल हमारे लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई इसके इंजन की मैं बात कर लेता हूँ। K10C 998 cc का इंजन आपको इसमें मिलता है। 65 BHP की पावर, 89 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। 3 सिलेंडर गाड़ी है जैसा कि आपको पता है, पेट्रोल में आती है BS6। और जो इस पर कंपनी माइलेज क्लेम करती है भाई, 25 KMPL का माइलेज इस पर कंपनी क्लेम करती है। एक बार इसकी डायमेंशंस की और बात कर लें, 3695 mm की आपको इसमें लेंथ मिल जाती है, 1655 mm की विड्थ मिलती है। हाइट की अगर बात करें तो 1555 mm की मिलती है और 2435 mm का व्हील वेज मिल जाता है भाई इसमें आपको। 810 किलोग्राम का कर्व वेट इसमें मिल जाता है। बाकी ये वाइट कलर आप इसका देख रहे हो, और भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं, रेड वगैरह का भी है। तो फ्रंट से शुरू करते हैं। अगर भाई मैं इसकी फ्रंट से बात करूँ तो देख सकते हो फ्रंट से कुछ ऐसी लगती है गाड़ी, काफ़ी मस्त लग रही है गाड़ी देखने में, बहुत ज़बरदस्त। वहाँ पे आपको सामने ऊपर एंटीना मिल जाएगा, 2 वाइपर्स मिल जाएंगे। अगर हेडलैम्प्स की मैं बात करूँ तो नॉर्मल हेलोजन बल्ब के साथ आपको इसके हेडलैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर की ब्लेसिंग मिल जाएगी और ये कुछ डिज़ाइन सी मिलती है जो कि सारे मॉडल में सेम ही मिलती है। और बाकी अगर भाई हेडलैम्प्स की मैं बताऊँ, टॉप मॉडल में भी इसके हेलोजन ही मिलते हैं, कोई वैसे नहीं आते प्रोजेक्टर वगैरह, सब सेम ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, ऐसी कुछ क्रोम मिल जाती है और ये ब्लैक कलर का कंपार्टमेंट सा मिल जाता है। नीचे ऐसी कुछ रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है ये ब्लैक, और यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह तो मिलते नहीं है, प्लेसिंग मिल जाती है, एसेसरी में आप लगवा भी सकते हो। बाकी नीचे आपको वाइट कलर का ये बम्पर सा मिल जाता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी देखने में, आगे से देख सकते हो आप। एक बार इसकी साइड प्रोफाइल से और बात कर लेते हैं, साइड प्रोफाइल से कैसी लगती है। तो भाई साइड से कुछ ऐसी लगती है गाड़ी देख सकते हो आप। सबसे पहले तो इसके टायर साइज की ही बात करते हैं हम। भाई अगर इसके टायर साइज की बात करें तो 165/70 R14 14 इंच के स्टील रिम मिलते हैं इसमें। व्हील कैप आपको इसमें मिल जाते हैं, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर की प्लेसिंग मिल जाएगी। ORVM आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं देख सकते हो आप, ऐसे कुछ डोर हैंडल्स मिलते हैं आपको बॉडी कलर्ड ही, जो कि ऐसे ही खोलने पड़ेंगे आपको मैनुअली, कोई लॉक वॉक का सिस्टम इसमें नहीं है। वो रिमोट वगैरह के लिए देख सकते हो, ये कुछ ऐसा इसका कंपार्टमेंट है ब्लैक, ये कुछ ऐसी लगती है भाई देख सकते हो आप। ओवरऑल गाड़ी यार काफ़ी सही लग रही है देखने में, काफ़ी सही लग रही है। 32 लीटर्स की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है। अगर रियर से इसकी बात करें तो रियर से कुछ ऐसी लगती है भाई देख सकते हो आप। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, डिफॉगर वाइपर तो नहीं मिलते हैं। इधर आपको सिलेरियो की बैजिंग मिल जाएगी, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। इधर आपको बूट खोलने के लिए चाबी से खोलना पड़ेगा। इधर बूट को अनलॉक करने के लिए हैंडल मिल जाता है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स में ही आपको ये सेंसर दिए गए हैं देख सकते हो आप, 2 रिवर्स रोक के सेंसर इसमें मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स के, यहीं पर ही ऐसे कुछ रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। तो ओवरऑल कुछ ऐसी है भाई। अगर इसके बूट स्पेस की मैं बात करूँ तो 313 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है, और मारुति बोलती है कि मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस ऑफर करती है और सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली ये गाड़ी है मारुति की। सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल है ये सिलेरियो का, और सबसे ज़्यादा ये माइलेज भी देता है। चलिए इसके एक बार बूट्स को खोल के देखते हैं कि इसमें बूट कैसा है। ये भाई बूट चाबी लगा के ही खोलना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा 313 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाता है देख सकते हो। बाकी लैंप वगैरह को तो ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है। बाकी एक बार इसको देखते हैं स्पेयर व्हील को। बाकी इसका स्पेयर व्हील 14 इंच का ही मिलता है आपको, काफ़ी सही है। चलिए एक बार इसको बंद करते हैं।
तो भाई ओवरऑल कुछ ऐसी लगती है पीछे से। एक बार मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की और बात कर लेता हूँ कि इसमें आपको VXI मॉडल में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स और 2 एयरबैग आपको मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए ड्राइवर और पैसेंजर। डे नाइट रियर व्यू मिरर इसमें आपको मिल जाता है। सीट बेल्ट वार्निंग, डोर हजार वार्निंग, एडजस्टेबल सीट्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, इंजन चेक वार्निंग, EVD और बाकी जो इसमें मतलब मारुति बोलती है एडवांस सेफ्टी फीचर्स जो इसमें आते हैं, हेडलैम्प्स वार्निंग इसमें आती है और भाई इंजन आइडल स्टार स्टॉप बटन। इंजन आइडल स्टार स्टॉप बटन क्या होता है, मतलब कि जैसे आप गाड़ी मतलब कहीं जाम वगैरह में खड़ी है तो मतलब काफ़ी देर से खड़ी है तो अपने आप बंद हो जाती है और फ्यूल बचा लेती है और मतलब जब आप क्लिच वगैरह को दबाओगे तो ये अपने आप स्टार्ट भी हो जाती है। स्पीड सेंसिंग ऑटो लॉक मिलता है इसमें, स्पीड अलर्ट मिल जाता है और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक मिल जाते हैं भाई इसमें। ये कुछ ऐसे इसके सेफ्टी फीचर्स थे। चलिए एक बार इसके इंटीरियर से बात करते हैं। इंटीरियर में चलने से पहले मैं एक बार इसकी की दिखाता हूँ आपको भाई। ऐसी कुछ की मिलती है आपको, 2 की मिलती है मैनुअल, रिमोट की वगैरह कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बाकी चलिए एक बार इसको अनलॉक करते हैं, एक बार इसको खोलते हैं। अगर भाई डोर की मैं बात करूं तो सिंपल डोर मिलता है इसमें, कोई आपको विंडो वगैरह के कंट्रोल नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको डोर ओपनर मिल जाएगा ये कुछ सिल्वर फिनिशिंग के साथ, यहाँ पे पकड़ने के लिए और यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह और यहाँ पे फाइल वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे कुछ स्पीकर की प्लेसिंग आपको मिल जाएगी। बट ये जो यहाँ पे चीज़ है ना, है तो ये प्लास्टिक की बट बहुत सही लग रही है भाई, देखने में काफ़ी मस्त लग रही है। अगर मैं अंदर की बात करूँ इसके इंटीरियर की तो कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है, देख सकते हो आप। चलिए एक बार अंदर ही चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो हाइट एडजस्टेबल सीट्स आपको इसमें नहीं मिलती हैं, 4-way एडजस्टेबल सीट्स आपको मिलती हैं और यहाँ पे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं आगे और पीछे भी। चलिए एक बार अंदर बैठते हैं। अगर भाई इसके स्टेयरिंग की मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा इसका स्टेयरिंग मिलता है आपको, नॉर्मल कोई कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा बीच में, SRS एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी, ऐसा कुछ हॉर्न है सिंपल सा बिल्कुल। और यहाँ पे आपको ये वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, इधर आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ इसके की तो भाई ये इसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता, इस मॉडल में नहीं मिलता है आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये मिल जाएंगे, ORBM को सेट करने के कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे। ऐसे कुछ AC वेंट्स मिलते हैं राउंड शेप में सिल्वर फिनिशिंग के साथ, काफ़ी सही लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं। अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि सेम मुझे वैगनर जैसा ही लगता है। एक बार इसे ऑन करते हैं तो ये कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है भाई, देख सकते हो आप। स्पीडोमीटर मिलता है, ये छोटी सी MID मिल जाती है जो कि रेंज वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी, डिजिटली क्लॉक और भाई आपकी सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह जो भी कुछ होता है मतलब सब कुछ इसमें शो करती है। तो ऐसे ही सिंपल सा बेसिक सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इसके सेंटर से बात करें तो कुछ ऐसा है इसका सेंटर से मिलता है, बाकी इसमें खाली डब्बा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता भाई। अगर आप चाहो तो एसेसरी में लगवा सकते हो यहाँ से, अगर आप चाहो तो बाहर से आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलते हैं पावर विंडो के कंट्रोल, 2 पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 1000 लाइट का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे ये विंडो के ये जो होते हैं शीशे वगैरह के लिए, ये लॉक के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको मैनुअल AC मिलता है भाई, देख सकते हो आप। नीचे आपको 12V का सॉकेट वगैरह मिल जाएगा, थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाएगी, 2 कप होल्डर इधर मिलते हैं, 5-speed मैनुअल गियर के साथ ही आती है, ऐसा कुछ इसका गियर लीवर है, सिल्वर फिनिशिंग के साथ मिल जाता है यहाँ पे। ऐसी कुछ मैनुअल हैंड ब्रेक आपको इसमें मिलती है। बाकी अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे SRS एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी आपको, ये स्टोरेज तो नहीं बोल सकते बट डिज़ाइन सी है, स्टोरेज तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये SRS वेंट मिल जाता है, इसके ग्लव बॉक्स को अगर खोले डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स इसमें आपको मिल जाता है, ऐसा कुछ ये डोर लगता है। सीट्स इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, बाकी इस पर सीट कवर चढ़वा रखे हैं एसेसरी में। डे नाइट रियर व्यू आपको इधर मिल जाता है, ऐसे कुछ सनवाइजर मिल जाते हैं टिकट होल्डर के साथ, इधर मिल जाता है सनवाइजर, इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, उधर भी 3 ग्रैब हैंडल्स आपको इसमें मिलते हैं। तो ओवरऑल कुछ ऐसी है भाई, आगे से देख सकते हो आप, काफ़ी सही गाड़ी है, मतलब VXI है इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल रहने वाला है और मतलब मारुति भी बोलती है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है इसका स्लेरियो का।
तो ओवरऑल कुछ ऐसी है। आगे से चलिए एक बार पीछे चलते हैं, पीछे चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए एक बार पीछे चलते हैं। ये भाई पीछे वाला डोर लगता है इसका, ऐसा सिंपल ही है बिल्कुल जैसे आगे वाला है, वही सब कुछ सेम ही मिलता है। पीछे की स्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी है। ये फिक्स एड्रेस आपको इधर मिलते हैं। चलिए एक बार अंदर बैठते हैं, स्पेस वगैरह की देखते हैं भाई स्पेस इसमें कैसा है। बाकी यार स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो स्पेस काफ़ी बढ़िया यार स्लेरियो ऑफर करती है। देख सकते हो आप, ये सीट मैंने पूरी पीछे की है जितनी भी पीछे होती है, बट फिर भी मतलब एक डिसेंट स्पेस मेरे पास बच रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठने में भी, हर तरीके से कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक नंबर स्पेस है। तीन बंदे आराम से इसमें बैठ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल यार कुछ सही है। पीछे से तो ऐसी कुछ पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है, पीछे देख सकते हो आप यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। अगर भाई बात करें पीछे से इंटीरियर कैसा लगता है, तो पीछे से कुछ ऐसा इसका इंटीरियर लगता है, काफ़ी सही लग रहा है, देखने में बढ़िया लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही लग रहा है यार ओवरऑल। मतलब ठीक है जिस प्राइस रेंज में ये आती है ना, मतलब काफ़ी सही है यार गाड़ी, मतलब कोई परेशानी नहीं है। और यार वो भी तो देखो आप, सबसे ज़्यादा माइलेज दे रही है ये इस सेगमेंट की गाड़ी में, सबसे ज़्यादा माइलेज, सबसे ज़्यादा बूट स्पेस ऑफर कर रही है ये गाड़ी। काफ़ी बढ़िया बेहतरीन गाड़ी है यार ये, मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही गाड़ी है, बहुत सही है। तो चलिए एक बार बाहर उतर के बात करते हैं। यार लुक वाइज भी ये मतलब काफ़ी सही है गाड़ी देखने में ना। तो भाई ऐसी कुछ गाड़ी थी, देख सकते हो आप काफ़ी मस्त है, काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हो आप। तो ओवरऑल कुछ ऐसी वीडियो थी भाई, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।